हॉस्टल में रमजान घर की रमजान वाइब से कम्पीट तो नहीं कर सकता, बट कम विद मी एज आई ट्राई टू मेक द बेस्ट ऑफ माय रमजान एट हॉस्टल एज अ फोर्थ ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, रमजान का चांद नजर आ चुका है तो कल पहला रोजा है इंशाल्लाह। अब मुझे नहीं पता रमजान में मेरे सोने जागने की क्या रूटीन होने वाली है, बट जैसे जैसे दिन गुजरेंगे वी फिगर दैट आउट। अब मैं आप लोगों से सहरी में मिलती हूँ इंशाल्लाह। गाइस सहरी का टाइम हो रहा है एंड आई हैव नो क्लू मैं इसमें क्या बनाए, और हम साथ जाके डिस्कवर करते हैं। आलू का पराठा और दही लिया एंड यस मैं दही शुगर के बगैर नहीं खा सकती। चाय मैंने खुद बनाई थी। आई ऑल्सो वॉर्म्ड अ शामी जो कि वेरी काइंडली मुझे मेरी डे स्कॉलर फ्रेंड की मामा ने भिजवाया था। मैंने सहरी की वाइल्ड लिसनिंग टू अ रमजान पॉडकास्ट, और गाइस मैं सहरी में अकेली नहीं थी, आई हैड माय रेनडियर एंड डेजी विद मी। ब्रश वगैरह कर लिया था, सारी चीजें हो गई हैं, बस नमाज पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं और उसके बाद सो जाते हैं क्योंकि हमने सुबह यूनिवर्सिटी के लिए भी उठना है। उसके बाद आई डिड सम रीडिंग और फिर मैं सो गई। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हो चुकी हूँ और अब हम अपना बैग पैक करते हैं। सबसे पहले हम लोगों का पैथो का लेक्चर है, लकीली हमारा सिर्फ एक ही मेजर लेक्चर है और दो माइनर लेक्चर्स हैं। उसके बाद हम लोगों की वार्ड है आई की, तो हम आई की बुक भी रख लेते हैं। और लास्ट में हम लोगों का पैथो का प्रैक्टिकल है और पैथो की प्रैक्टिकल कॉपी भी आई की, और साथ में हम ये बुक भी रख लेते हैं ताकि बीच में जो हमें फाली टाइम मिलेगा उसमें हम लोग ये पढ़ सकें। लेट्स गो। वर्ड स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम था तो मैं हॉस्टल वापस आ गई हूँ। हमारा आई का एक टेस्ट आने वाला है 19th को, तो आई एम थिंकिंग कि मैं थोड़ी देर के लिए आई पढ़ लेती हूँ। गाइज अभी मैं ये वाला लेक्चर ले रही हूँ, बट आई एम जस्ट यूजिंग इट एज अ वेसल टू यू नो रीड द बुक, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर लेक्चर साथ चल रहा हो तो मेरे लिए बुक पढ़ना ज्यादा आसान होता है। गाइज मैंने अपनी एनर्जी के मुताबिक थोड़ा बहुत पढ़ लिया, अब है वर्ड का टाइम हो रहा है तो फिर हम लोग वर्ड में चलते हैं। गाइज अब हुआ ये है कि हमारी रमजान की वजह से टाइमिंग चेंज हुई है, बट वर्ड वालों को ये बात पता नहीं थी, तो वर्ड 11:30 पे और हमारा प्रैक्टिकल 11:15 पे, तो आई डोंट थिंक हम वर्ड अटेंड कर पाएंगे। अब आई एम डायरेक्टली गोइंग टू द प्रैक्टिकल। मुझे लास्ट ईयर प्रैक्टिकल कॉपी एंड पे बनाने में काफी मसला हुआ था, सो दिस टाइम आई एम ट्राइंग टू एक्ट मोर रिस्पॉन्सिबली एंड मैंने लैब में एक प्रैक्टिकल लिखा। ये गाइस 12 हो रहे हैं, मैं ऑलरेडी फ्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। वाओ, अभी ऑफिस में दोपहर की अजान नहीं हुई तो आई थिंक मैं अभी रेस्ट करने वाली हूँ। अब मैं उठ चुकी हूँ, मैंने जोहर वगैरह पढ़ ली है और अब आई थिंक आई एम गोइंग टू डू सम रीडिंग वगैरह। Guys, I have offered asar as well, और हमारे घर में बचपन से एक ट्रेडिशन था रमजान में कुरान पाक मुकम्मल पढ़ने वाला। अभी मेरा एक सिपारा मुकम्मल हो गया एंड आई एम होपिंग इंशाल्लाह कि मैं इस रमजान में अपना कुरान पाक मुकम्मल पढ़ सकूं। फिर मैं अफ्तार लेने गई। आई डिडंट वॉन्ट कि मैं ऑयली चीजें खाऊं, सो आई गॉट चना चाट एंड ऑल्सो खजूर ऑफ कोर्स कैंटीन से, एंड मैंने अपने लिए एप्पल मिल्क शेक भी बनाया। अफ्तार का टाइम पहले रोजे के लिए। गाइज अफ्तारी और नमाज तो हो गई है, बट खाना खाने से पहले आई एम गोइंग टू गो हॉस्टल के बाहर वाले पार्क में और एक्सरसाइज करनी है। द गोल इज के रमजान में रोज इंशाल्लाह अफ्तार के बाद एक घंटा एक्सरसाइज करनी है, बिकॉज आई डोंट वांट कि मैं रमजान में बहुत लेजी हो जाऊँ। मुझे बॉडी बिल्डिंग तो करनी नहीं है ऑफ कोर्स, तो इस एक घंटे में मकसद इज नॉट कि मैं बहुत हैवी एक्सरसाइज करूँ, जस्ट माइल्ड रनिंग साइकिलिंग एंड स्ट्रेचेस टू स्टे फिट एंड डिसिप्लिन्ड।
गाइस तकरीबन 50 मिनट्स हो रहे हैं, आई एम लिटरली स्वेटिंग नाउ, सो आई थिंक वी डिड अ प्रीटी गुड जॉब। इट्स टाइम फॉर डिनर नाउ गाइस। गाइस मैंने अपनी रफ सी कैलकुलेशन के मुताबिक डिसाइड किया कि अगर मैं रात 12:30 पे भी सोती हूँ तो मेरी नींद पूरी हो जाए करेगी, तो अभी वी हैव एम्पल टाइम सोने तक। मैंने जर्नलिंग और बेड साइड रीडिंग की जिनके बगैर मेरा दिन इनकम्प्लीट होता है। तब आई एम फीलिंग वेरी स्लीपी तो मैं बस सोने लगी हूँ और आज का पहला रोजा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजर गया। विद दिस आई होप कि इस रमजान में हम अपनी इबादत, फिजिकल फिटनेस और बाकी सारे एंडेवर्स में कंसिस्टेंटली अच्छा डिलीवर कर सकें। मैं आप लोगों से मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।